हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं लिमिटेशंस ऑफ होल्डिंग कंपनी के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैंने एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी के बारे में बताया था, और आज मैं बात करने वाला हूँ डिसएडवांटेजेस, जिसको हम लिमिटेशंस है कहते हैं होल्डिंग कंपनी के। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करके उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको मेंबरशिप चैनल के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जहां पे आप हमारे चैनल के एक्सक्लूसिव मेंबर बन जाएंगे, जिसके ढेर सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप लेते हैं। तो मैं एक-एक करके आपको बताता हूं आपको करना क्या होगा। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल आइकन है उसे दबा देना है, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ ये जो ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे की तरफ जाना है, एक डू बी कॉम में। यहाँ पे आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, जिस बटन के ऊपर क्लिक करके आप बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में ला पाएंगे। यहाँ पे देखो असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहा है, ठीक है, एक रुपए भी आपको देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगा 24/7, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। और साथ ही साथ आपको बहुत ही सस्ते दामों पे जो है 40% डिस्काउंट पे आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे, जिनको पढ़ के आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें, हमारे चैनल पे आने के बाद आप हमारे चैनल पे चैनल के प्लेलिस्ट में पक्का जाएं, जो कि है इग्नू बीकॉम न्यू। अगर आप बीकॉम की स्टडी कर रहे हैं तो बीकॉम न्यू में जाएं, नीचे की तरफ जाएंगे तो भी आपको बीकॉम दिखेगा, बट ये बीकॉम थोड़ा सा पुराना है तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बीकॉम न्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आकर के आप आसानी से आप सारे के सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की। यहाँ पे ढेर सारी प्लेलिस्ट हैं जो भी आपके कुछ पेपर्स हैं। साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, जिनको पढ़ करके, जिनको सुन करके, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो चलिए फिर देखते हैं। सो होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। इसके डेफिनेशन के बारे में नहीं जाते हैं, लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। तो सीक्रेट रिजर्व्स, सबसे बड़ा इसका जो इसका लिमिटेशन है वो है इसका सीक्रेट रिजर्व। टू डिटरमाइन द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, द अनसरप्लस डायरेक्टर्स कैन इजिली क्रिएट सीक्रेट रिजर्व, है ना। तो ये जो अनस्करप्लस जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो एक तरीके से बहुत ही आसानी से अपना सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, जो कि किसी भी होल्डिंग कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो अपनी मर्जी अपनी अपने लिए वो जो चीजें हैं वो तैयार कर रहे हैं, राइट। तो सीक्रेट रिजर्व यहाँ पे जो क्रिएट होता है उसका कोई बेनिफिट हो नहीं पाता कंपनी को, जिसके कारण से कंपनी के लिए जो होती है ये जो सीक्रेट रिजर्व का जो फंडा है ये सही नहीं होता है, और दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी। कोई अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले आप लिखना सीक्रेट रिजर्व, बिकॉज यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में होता है, तो यहाँ पे जो मेजोरिटी जिसके पास एक तरीके से होल्डिंग कंपनी जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास मेजोरिटी होती है, राइट। तो वो एक तरीके से सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हैं फॉर देयर ओन पर्पसेस, जिसका कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, जिसके कारण से कंपनी के लिए जो है ये हानिकारक होता है। दूसरा है डिफिकल्टी इन एसरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। होल्डिंग कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन निकाल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के अंदर बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनी होती है ना। तो सब्सिडियरी कंपनी का सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, तब आप होल्डिंग कंपनी का निकालोगे, राइट। सो द क्रेडिटर्स इन द सब्सिडियरी कंपनी एंड शेयर होल्डर्स इन द होल्डिंग कंपनी मे नॉट बी अवेयर दैट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, है ना। तो जो क्रेडिटर है सब्सिडियरी कंपनी के और जो शेयर होल्डर्स हैं होल्डिंग कंपनी के, वो मे भी हो सकता है कि वो अवेयर ना हो कि कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एक्चुअल में है क्या, क्योंकि जब आप कंसोलिडेटेड बनाते हो चीजें, बैलेंस शीट बनाते हो, पीएल बनाते हो, तो ही आपको पता चल पाता है कि क्या है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल बनाओगे तो एक सही लगेगा, दूसरा गलत लगेगा, भाई यहाँ मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, इस तरह की चीजें जो है दिक्कत में आती है ना। तो ये दूसरा जो है डिफिकल्टी इन एसरटेनिंग इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी होल्डिंग कंपनी, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ होल्डिंग कंपनी, दिस इज द सेकंड लिमिटेशन एक्चुअली। अब बात करते हैं तीसरे लिमिटेशन के बारे में, जो कि है मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट। ओके, सो व्हेन इन द होल्डिंग कंपनी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन मोर देन एंड देयर इज नॉट इक्विवेलेंट मैनेजमेंट एफिशिएंसी, इट रिजल्ट्स इन द मिसमैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, है ना। तो सपोज कोई कंपनी है जो कि एक जगह पे नहीं है, बहुत सारी जगहों पे है, तो जब बहुत सारी जगहों पे होंगे तो लोग भी बहुत सारे लगेंगे उन सबको मैनेज करने के लिए, है ना। तो अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं अवेलेबल होगी, इक्विवेलेंट मैनेजमेंट एफिशिएंसी अगर नहीं होगी, तो उसके कारण से कंपनी में जो है मिसमैनेजमेंट के कारण कंपनी का ऑपरेशन ढीला पड़ेगा और कंपनी में आगे जाकर के जो है लॉसेस भी ऑकर हो सकते हैं। सो मिसमैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज फ्रॉड इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। तो इंटर कंपनी, अब देखो होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी बहुत सारी हो सकती है, तो यहाँ पे जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होंगे ना, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो डिसएडवांटेज। सो देर आर मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड ड्यू टू द इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, जो मैंने कहा वही बात। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड एट अ वेरी हाई और वेरी लो प्राइस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी,
राइट, होल्डिंग कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो है ना इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के प्राइसेस को हाई या फिर लो किया जा सकता है, करते हैं वो लोग ऐसा, तो जिसके कारण से फ्रॉड होने के चांसेस जो है ना बहुत ही ज्यादा होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके साथ आपका कट चुका होगा। ठीक है, पांचवा नंबर पॉइंट है फोर्स्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। अब होल्डिंग कंपनी में जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो एक तरीके से फोर्स वे में होता है, ऐसा नहीं कि आपने वोटिंग करके चुन लिया किसी को, ऐसा नहीं हो पाता है ना, यहाँ पे फोर्स्ड यू नो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स होता है। द सब्सिडियरी कंपनी समटाइम्स फोर्स्ड बाय द होल्डिंग कंपनी टू अपॉइंट सम डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स इन द कंपनी, है ना। जो सब्सिडियरी कंपनी होती है वो एक तरीके से होल्ड उनको एक तरीके से फोर्स किया जाता है होल्डिंग कंपनी के द्वारा कि भैया आप डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स को जो है वहां पे आप अपॉइंट करो, है ना। तो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट का डायरेक्टर्स जो डायरेक्टर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक तरीके से फोर्स्ड होता है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफिकल्टी इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। होल्डिंग कंपनी का वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ठीक तरीके से कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया होल्डिंग कंपनी ये है, उसके अंदर सब्सिडियरी कंपनीज हैं अलग अलग जगह पे, तो उनका स्टॉक तो भाई एक ही जगह होगा ना, या एक ही जगह नहीं भी होगा तो आपको एक तरीके से लाइक मेंटेन करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पे आप वैल्यूएशन स्टॉक का नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एक कंपनी के पास कुछ स्टॉक है, दूसरी कंपनी के पास कुछ और स्टॉक है, होल्डिंग कंपनी के पास कुछ मेजर स्टॉक्स है, तो इनको वैल्यूएशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, राइट। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वैल्यू द स्टॉक एज द स्टॉक ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंटर कंपनी गुड्स, है ना, लिखा है ना इंटर कंपनी गुड्स, मतलब हर एक कंपनी में थोड़ी बहुत गुड्स है। अब इन सब का अगर आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना है तो ये काम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी होती है और अलग अलग कंपनीज में चुकी होती है, तो आपको यहाँ पे करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी। नाउ द लास्ट पॉइंट विच इज ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। जो जिनका जिनका जिन जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होता है ना कंपनी के, उनके साथ एक तरीके से ऑपरेशन होता है, उनके ऊपर एक तरीके से अत्याचार किए जाते हैं, बोल सकते हो हिंदी में, है ना। तो कैसे होता है, सो देयर इज ऑलवेज द फियर ऑफ ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखो हमेशा माइनॉरिटी को डर में लगा हुआ रहता है कि देयर इज ऑलवेज द फियर ऑफ ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एज द फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज आर टोटली मैनेज्ड इन द वे द सूट्स इंटरेस्ट ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ना उसको एक तरीके से यहाँ पे दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो जो होल्डिंग कंपनी जो होती है उसका जो मैनेजमेंट होता है उसी के पास सारी की सारी चीजें होती है, उसी के पास कंपनी का एक तरीके से हर एक चीज जो है उन्हीं के पास उन्हीं के कंट्रोल में होता है, चाहे उनका फाइनेंशियल्स हो या फिर रिसोर्सेज हो। तो इस कारण से एक तरीके से शेयर होल्डर्स के मन में जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनके मन में एक तरीके से डर होता है कि उनके साथ जो है ऑपरेशन हो सकता है। यहाँ पे ऑपरेशन मतलब वो ऑपरेशन थिएटर वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मतलब एक तरीके से अत्याचार बोल सकते हो, बिना उनकी मर्जी के कुछ काम कर दिया गया वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें, राइट। तो ये होने का डर जो है यहाँ पे होता है। सो दिस इज दीज आर द सेवन डिसएडवांटेजेस ऑफ लिमिटेशंस आई मीन होल्डिंग कंपनी, राइट। तो आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।